પૂર્વ વિદેશ મંત્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા સુષ્મા સ્વરાજનું મંગળવારે રાત્રે નિધન થયું. તો નિધન પહેલા પણ તેઓ દેશ માટે સેવાને લઈ કેટલા સક્રિય હતા તેના પુરાવા સ્વરૂપે એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. નિધનના એક કલાક પહેલા જ તેમણે પાકિસ્તાની જેલમાં બંધ ભારતીય નાગરિક કુલભૂષણ જાધવ કેસમાં ભારતીય વકીલ હરીશ સાલવેને તેમની એક રૂપિયો ફી આપવા માટે બોલાવ્યા હતા. સુષ્મા સ્વરાજ આજે તેમણે એક રૂપિયા ફી લેવા તેમણે બોલાવ્યા હતા, પરંતુ હરીશ સાલવે સાથે મુલાકાત થાય તે પહેલા તેમણે અંતિમ શ્વાસ લઈ લીધા. મેં તો શોકમાં હું, કે મેરી મુઝસે પોણા 9 બજે વાત હુઈ, બડી ખુશ લગ રહી થી. વો બોલ રહી થી તુમ આયે હો મિલને નહીં આયા, તો મેને કહા નહીં મેં કલ મિલને આઉંગા. તો ઉન્હોને કહા કે તુમકો જો એક રૂપિયા દેના થા કેસ કા વો દિયા નહીં, વો આકે અપની ફીસ તો લે લો ભાઈ. મેને કહા જી જરૂર આઉંગા મેં 6 બજે. और बड़ी उनकी खुशी थी बड़ी आवाज़ में. मैं तो एकदम शॉक में हूँ कि 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आया. वो जाती रही. पब्लिक लाइफ में एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ गई. ये उस क्लास की, उस स्टाइल की नेता थी जो अपनी बात रखने में माहिर थी. अपनी हर बात जिस तरीके से वो एक स्पीच में कह सकती थी, फोर्स के साथ, वेगर के साथ, क्लैरिटी के साथ, पर बिना किसी का दिल दुखाए. कभी मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने किसी को पर्सनली अटैक किया हो. जनसंघ थी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुषमा जी नो खूब महत्वनो रोल रह्यो छे. एमनो परिश्रम, एमनो संघर्ष, एमनी એમનું નેતૃત્વ અને કર્તૃત્વ એ આ પાર્ટીને ખૂબ મોટી બનાવી છે. વિદેશમંત્રી તરીકે પણ એમણે ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી. આજે પણ સમગ્ર દુનિયામાં વસતા ભારતીયો સુષ્માજીને યાદ કરે છે, કારણ કે એક નાની વાત માત્ર વેબસાઇટ ઉપર લોકો મૂકે અને સુષ્માજી જવાબ આપે, આ એમની એક આગવી પદ્ધતિ હતી. સંસદમાં રાજ્યસભાના એ નેતા હતા, ત્યારે હું પણ રાજ્યસભાનો સભ્ય હતો. એમનું વક્તવ્ય એ યાદગાર રહ્યા છે હંમેશા. સુષ્મા સ્વરાજજી કે સાથ મેરા એક આત્મીય સંબંધ હતા 2 દશક પુરાના, ઓર ઉનકી માં કી જન્મભૂમિ ઓર હમારી જન્મભૂમિ 15 કિલોમીટર કા ડિસ્ટન્સ થા. યસ, ટુડે हमें इतना दुख है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते. सुषमा जी अचानक उठ के चली गई और जाने का वो उम्र भी नहीं था. शब्द नहीं है. वो भारत माता की सच्ची बेटी थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए समर्पित किया था. उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी और जो काम वो करती थी उसमें प्रतिष्ठा पाती थी. संगठन का काम अगर उन्होंने किया तो उसको अद्भुत तरीके से किया. कुशल संगठक थी, सफल प्रशासक थी. जो भी मिनिस्ट्री मिली उन्हें, विदेश मंत्री सहित, उन्होंने उसके उस काम को बेहतर अंजाम दिया. देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाया. मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहाँ की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था. सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है. सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी. विशेष रूप से इमरजेंसी के बाद उनका राजनीतिक उदय हुआ और उसके बाद में वो लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा. मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी. मेरा स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं था तो उनने खुद आकर डॉक्टर मेरे घर पर ले आई और मेरा पूरा चेकिंग करने का आग्रह किया.
एक बड़े बहन मेरी जो है वो तो चली गई, उसी प्रकार की माया और प्रेम उन्होंने मुझे दिया। इन करतूतों में बहुत पड़ी थी सुषमा जी, और मेरे अच्छे मित्र तो थी ही, जब मिलते थे तो जैसे सामान्य महिला जैसी भी हमारी बातें, घर घरेलू बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी, और राजनीति में मैंने देखा, उनसे सीखा भी बहुत, राजनीतिक विषयों का उनका जो अभ्यास था और उनकी जो स्मृति थी, उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प मेमोरी थी उनकी, बहुत बातें वो कभी कभी तो तारीख के साथ याद रखती थी। मुझे भी लगता था कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मुझे इतनी तारीखवार बातें याद नहीं रहती, मगर उसको रहती थी, और इंसिडेंसेस भी बताती थी तो ऐसे बताती थी, किसी विषय का अभ्यास भी इतना माइन्यूट करके आती थी कि पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे, और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज है, ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से, जिसको हम कहते हैं, ऐसा वो बोलती थी, तो बहुत ही गजब का उसका वक्तृत्व तो था, इसमें कोई नहीं। और वैसे मिलती थी तो ऐसे सामान्य तरीके से महिलाओं से भी बात करती थी, और अलग किस्म की महिला थी। एक हम हमेशा मजाक हमारी दोनों की होती थी, जब कब फैमिली की बात निकलती थी, वो भी मुझे मेरे घर के कई सारे किस्से वो भी जानती थी। मेरे बेटे ने एक बार लड्डू बना, उसके साथ मुझे जाना था सभा में, और वो आई थी घर पे कि चलो समय हो गया, और उसी समय मेरे बेटे ने कहा था नहीं मुझे मेरे लिए लड्डू बना के ही जाओगी, तो वह सबको ये बात बताती थी। मैंने भी कहा सुषमा जी थोड़ी देर रुको, मैं बिना लड्डू बनाए नहीं जा सकती हूँ, वो मांग रहा है ना, और आपके साथ मुझे 5-6 दिन के सफ़र पे जाना है, तो नहीं ऐसे नहीं आऊँगी, तो वो सबको ये विशेष रूप से बताती थी कि ये महिला के काम करने का तरीका है। बोले मैं बैठी रही जब तक एक घंटे भर में सुमित्रा जी लड्डू बना के नहीं रहे आई बेटे के लिए नहीं आई, तब तक बोले मैंने भी इंतज़ार किया, क्योंकि मैं जानती थी कि बच्चों को कैसे, बच्चों का दिल जीतना और बच्चों को फैमिली को पहले संभालना। वैसे उनके लिए भी हम बोलते थे कि सुषमा जी बताओ तो सही, आपकी कब बातें होती है, आपस में कब बातें करती हो स्वराज जी से वगैरह, मजाक करते। फिर एक दिन उन्होंने कहा था कि अरे देख हमारा बाकी कुछ नहीं, मगर हमने चाय का समय तय करके रखा, हम दोपहर में चाय एक साथ पीते। हमने कहा कितना भी काम हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक साथ चाय पीने तो बैठेंगे। जी के निधन पर हमारी पार्टी को और व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है, जब वो निधन का समाचार मिला, और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था, किसी से वो चाहे वो अपोजिशन के लोगों सबके साथ वो मिक्स होकर रहती थी, और तथ्यों के आधार पर मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी को बड़ा दुख है, ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैसे मुझे पता चला है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके सबको बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आज रात तक भी वो ट्वीट कर रही थी, और वो बहुत प्रसन्न थी कि जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने कश्मीर के विषय में निर्णय लिया, इससे वो इतनी प्रसन्न थी।
उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया। तो अभी जब ये खबर आनी शुरू हुई तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच हो सकता है। मैं ये कहूंगी कि वो बहुत सुलझी हुई और बहुत परिपक्व और वात्सल्य से भरी हुई, ममता से भरी हुई और दूसरों के दुख को बहुत अच्छे से समझने वाली, भारतीय जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह समझने वाली और खासकर नारियों के जीवन में कितनी समस्याएं हैं, महिलाओं का जीवन क्या क्या झेलता है, ये सबसे ऊपर उठकर वो निकलकर इस तरीके से राजनीति में चमकी एक सितारे की तरह। तो उनके जीवन के बहुत अनुभव थे जिनके कारण वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व थे। मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हुआ है, पूरे विश्व को हुआ है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे विश्व में हैं। आज लोग बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश और विदेशों में रहने वाले भारतीय सभी उनसे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो नाते बनाए वो बहुत बहुत करीबी बनाए रिश्ते। और उन्होंने देश की बात हो या पार्टी की बात हो या पर्सनल लेवल पे हो, कार्यकर्ताओं के साथ रिश्ता बनाने की बात हो, सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत प्यार, ममता ये सब का घोल किया था। ये हर नेता नहीं करता है, लेकिन उन्होंने एक, मैं ये कहती हूँ कि दिल से दिल के रिश्ते जोड़े थे। देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिग्गंत तक पहुंचाने का काम किया। आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे।